पागल हो गए सिकंदर। हमें घर जाना है, रास्ता छोड़िए। आप तो आप हमारी मर्जी से ही घर जाएंगी, परसों की जब हम जाएंगे तब। ये क्या बदतमीजी है सिकंदर? बड़ा प्यार करती थी ना आप अमान भाई, जब मरते दम तक उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम था रीना। था तो मेरा सगा भाई, लेकिन बड़ा सुकून मिला मुझे जान से मार कर। क्या तुमने मारा हमारे शौहर को? हाँ, सिकंदर ने मारा है हमारे, मेरे कहने पर, मेरी मोहब्बत में अमान को मरना पड़ा। तुम लोगों ने मारा? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है, यही सच है रीना भाभी। वो अमान हमेशा से अम्मी अब्बू का लाडला रहा, उसने जो चाहा हासिल किया, जिस चीज की तमन्ना की उसे पा लिया, और मैं हमेशा से नजरअंदाज होता रहा। हर मनपसंद चीज मिलेगी अमान को, और बाद में मुझे कारोबार संभालेगा तो अमान, सिकंदर नहीं। सब कुछ मिलेगा अमान को, और मैं खाली हाथ सब कुछ दे दिया उसे, और मुझे मुझे लगा दिया शायरी पर, इसीलिए मार डाला मैंने उसे। और फिर मेरे रास्ते में आ गई तुम अमान की बीवी बनकर। मुझे तो तुम्हें रास्ते से हटाना था ना, सिकंदर से शादी करने का यही वजह थी कि वो मेरी अधूरी मोहब्बत का बदला ले। और अब देखो, तुम हार गई और मैं जीत गई। तुमने हमसे हमारा शौहर छीना, हमारे अमान से उसके बाप छीन लिया। तुमने खबरदार, जब अपने पागल बच्चे को मेरे बेटे से मिलाया। मेरे बेटे ने तो फखर से मेरा सर बुलंद कर दिया है, और एक और बम गिराऊं तुम्हारे सर पर, तुम्हारी सारी जायदाद पर भी हमारा कब्जा है, हमने सब कुछ छीन लिया है तुमसे। और मैडम, आपके बिजनेस के सारे लॉसेस हमने जानबूझकर कराए, वो भी सिकंदर सर के कहने पर।